दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल असम ज्ञान में। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि एसी में टन का क्या मतलब होता है, तो बने रहे इस वीडियो में। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति मार्केट में एसी लेने जाता है तो उससे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। और कई लोग इस टन की बात को सुनकर तो सोच में पड़ जाते हैं और कुछ लोगों को तो ये लगता है कि टन का मतलब एसी के वजन से है। दोस्तों आपको बता दें कि टन का मतलब एसी का वजन नहीं होता है, बल्कि ये टन एसी की कूलिंग कैपेसिटी होती है। कहने का मतलब है कि एसी एक घंटे में गर्मी की कितनी मात्रा को कम कर सकता है। बता दें कि गर्मी की इस मात्रा को BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट में मापा जाता है। दोस्तों मार्केट में अलग अलग टन के एसी मिलते हैं, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन, 2 टन और 3 टन। तो अगर हम बात करें 1 टन के एसी की, तो अगर हम किसी कमरे में 1 टन बर्फ रख देते हैं तो जितनी ठंडक वो 1 टन बर्फ देगी उतनी ही ठंडक 1 टन का एसी देगा। दोस्तों एक एसी को एक स्क्वायर फुट जगह को ठंडा करने के लिए लगभग 20 BTU प्रति घंटा खर्च करना पड़ता है और 3.5 BTU 1 वाट के बराबर होता है, और इस तरह 1 टन 12,000 BTU के बराबर होता है। दोस्तों 1 टन का एसी 100 स्क्वायर फीट की जगह में बने कमरे को ठंडा करने के लिए काफी होता है। इसी तरह 1.5 टन का एसी 150 स्क्वायर फीट जगह में बने कमरे को ठंडा करने के लिए सही माना जाता है, और 2 टन का एसी 200 स्क्वायर फीट जगह को ठंडा करने के लिए सही होता है। दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि एसी हमेशा अपनी ज़रूरत के अनुसार ही लें, क्योंकि अगर आप अपनी ज़रूरत के मुकाबले कम या ज़्यादा टन का एसी लेते हैं तो इसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आपका कमरा छोटा है और आप ज़्यादा टन का एसी ले लेते हैं तो इससे कमरा तो जल्दी ठंडा होगा, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि 1 टन का एसी 2 और 3 टन के एसी से सस्ता होता है। और साथ ही ये बिजली की खपत भी ज़्यादा करते हैं, जिससे आपका बिजली का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और अगर आपके कोई सवाल है सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।